हेलो फ्रेंड, दिस इज प्रशांत कुमार अगेन फ्रॉम कोलकाता। तो फ्रेंड आप देख ही रहे हैं, आज ये डिज़ाइन आप लोगों को सिखाऊंगा, देख ही रहे हैं। तो फ्रेंड इसमें पहले की तरह ही मैं आप लोगों को आइडिया दे दूंगा किस तरीके से स्टिचिंग करना है, वो आइडिया दे दूंगा, साथ ही साथ किस तरीके से ड्राफ्टिंग बटन करना है ताकि किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि इस तरह स्टाइल से मैंने इस स्टाइल से दिखा रहा हूँ, बहुत लोगों को रिक्वेस्ट आ रहा है इसी तरह डिज़ाइनर ड्रेस का। तो मैं कुछ टेक्निक्स निकाला है तो इसी तरह मैं दिखा रहा हूँ, मगर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। तो चलिए आज मैं इस ड्रेस दिखाऊंगा। तो इसे करने के लिए फ्रेंड हमारे पास ये मोबाइल में रख रहा हूँ, आप अपना जो स्क्रीन है मैंने स्क्रीन पे भी साइड में दिया हो, आप लोग पिक्चर पे एक बार देख लीजिए। देखिए फ्रेंड इसे आप लोगों को लग रहा है जो फिश कट की तरह है ना, तो फिश कट की तरह आप लोगों को ड्रेस लग रहा है, मगर यही असली खेल है इस डिज़ाइन में। बहुत बढ़िया डिज़ाइन है, इसका लुक बहुत ही अच्छा है। तो साथ ही साथ देखिए नीचे वाला हिस्सा फ्रेंड इस जगह में जो दिया हुआ है नीचे, यानी कि हमारा जो बटन है फ्रेंड इसमें घेर है, आप लोग अच्छी तरीके से देख लीजिए, इसमें बहुत सारा प्लीट दिया हुआ है, इसमें घेर है। जैसे कि हमारा जो नॉर्मली फिश कट होता है उसी तरह ये नहीं है, मगर ऊपर में जो ब्लैक वाला हिस्सा आप लोगों को दिख रहा है वो फिश कट की तरह ही शेप दिया है। और इसके लिए मैंने आप लोगों को बता दूं, देखिए जो ऊपर में जो हिस्सा दिया है फ्रेंड इस जगह से एक पार्ट है, और इस जगह में जो पार्ट है तो इस पार्ट में जैसे कि हम लोग जो ऑफ शोल्डर करते हैं ना उसी तरह इस टाइप से इस जगह में दिखा है, मगर ये ऑफ शोल्डर नहीं है, इसका नेक इस तरह है, स्लीवलेस इस जगह में है, और स्लीवलेस इतना स्लीवलेस है इसका, इसके लिए फ्रेंड अलग से आप लोगों को शोल्डर मेजरमेंट लेनी है। मैंने बहुत वीडियो में बताया जो आपका शोल्डर इतना इतना नहीं लेना है, जितना वो कंधा रख रहा है उसी तरह है यहाँ से यहाँ तक इसका शोल्डर रखनी है। ओके, तो शोल्डर रखने के बाद जैसे कि इसमें जो एक मेजरमेंट नेक राउंड चाहिए, क्योंकि मैंने देख रहा हूँ ये जो पिक्चर है इसमें अलग से कोई नेक डेप्थ नहीं है, जैसे हमारा गला निकालते हैं ये स्टार्टिंग होता है गला यहाँ से, उसी तरह ही एक फॉर्मूला है। अदरवाइज आप लोग क्या कर सकते हो, यहाँ से एक मेजरमेंट सीधा करिए उसके बाद इस जगह का मेजरमेंट ले लीजिए। बहुत सारा मेजरमेंट का सीक्रेट मैंने आप लोगों को दिखाया, तो कोई भी एक इसमें यूज कीजिए, वो चाहिए इस जगह के एक मेजरमेंट वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, अदरवाइज आप लोग यहाँ से एक डेप्थ ले सकते हो, क्योंकि जिनका जो बास्ट होता है आप लोगों को अगर मेजरमेंट से ही करनी है तो बास्ट के थोड़ी दूर ऊंचाई से करिए ताकि ये बास्ट का जो वॉल्यूम है वो हम अच्छी तरीके से दिखा पाए। और दूसरी बात है फ्रेंड जो इसमें जो फिश कट का जो स्टाइल बना हुआ है तो वो क्या है, इस जगह में आप लोगों को एक मेजरमेंट और चाहिए फ्रेंड इस जगह में। ओके, इसी तरह करके इसमें जो एस का जो हिस्सा रहता है और इस जगह में, यानी कि हमारा अच्छी तरीके से फ्रेंड समझिए इस जगह को, क्योंकि ये ड्रेस में यही फिटिंग, अगर आप लोग फिटिंग्स करना चाहते हैं तो मैं जो बोल रहा हूँ उस बात को गौर से सुनिएगा, अदरवाइज आप लोग फिटेड नहीं कर पाएंगे, आप लोग बहुत मुश्किल में पड़ जाएंगे, क्योंकि ये सिर्फ मुंह से बता रहा हूँ। देखिए फ्रेंड इस जगह में आप लोगों को जो जिन लोगों ने हमारा चैनल से ब्लाउज सीखी आप लोगों को पता है ना, जो डबल कटोरी सिखाने के बाद मैंने एस लेंथ का एक मेजरमेंट देता था, तो वही मेजरमेंट इस जगह में आप लोगों को एक देनी है, और उसके ऊपर से हमारा जो बास्ट होता है वो बास्ट एरिया होता है, और इस जगह में हम लोग एक डार्ट यूज करेंगे, इस जगह मतलब डार्ट को पूरा नहीं यूज करेंगे, ये छोड़कर, यानी कि ये बास्ट का जो वॉल्यूम होता है वो छोड़कर जितना रिमेनिंग इस जगह में रहता है वो, और ये पीछे वाला पार्ट है तो इसके ऊपर एक डार्ट दे देंगे, और डार्ट देने के बाद फिर इस जगह में जैसा हम लोग शेप देना चाहते हैं वो उसी तरह ही, एक वेस्ट का मेजरमेंट चाहिए, एक लोअर बस्ट का चाहिए, एक हिप का मेजरमेंट चाहिए, लोअर हिप चाहिए, नी चाहिए, वेस्ट टू नी चाहिए, तो ये वैरायटी टाइप मेजरमेंट फ्रेंड हमारा जो बीच में जो प्रिंसेस कट शेप है ना उसे करने के लिए लग रहा है, मगर बेसिकली ये प्रिंसेस जो सॉरी प्रिंसेस कट में बोल रहा हूँ, फिश कट जो स्टाइल से नहीं बना है। अब पैटर्न को देखिएगा, बहुत ही इजी तरीके से मैंने दिखा रहा हूँ, तो ये सब मेजरमेंट आप लोगों को चाहिए। ओके, और साथ ही साथ ये भी बता दूं फ्रेंड, आप लोग पीछे वाला हिस्सा अगर आप लोग फिटेड करना चाहते हैं उसके लिए आप लोग देखते हैं जो पैटर्न को हम लोग सीधा रखते हैं, तो पीछे भी हम लोग इस तरीके से शेप भी हम लोग दे सकते हैं, अगर ज्यादा आप लोग फिटेड करना चाहते हैं तो उसके लिए इस जगह का मेजरमेंट अलग से ले लीजिए। उसके बाद हमारा जो हाई होता है, हाई जो हमारा होता है वो
अपर होता है और मिडिल होता है, लोअर होता है। तो हमारा जैसे कि हिप होता है, हिप के नीचे वाला हिस्सा से आप लोगों को एक मेजरमेंट चाहिए ताकि आप उस तरीके से फिटेड कर सकते हो ड्रेस के, मगर बाकी जो नीचे वाला हिस्सा है वो फ्लेयर की तरह ही हुआ है। तो चलिए यही बताना था, तो चलिए आप पैटर्न आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंड सबसे पहले हम लोगों को जो शोल्डर है तो उसी तरह ही हम शोल्डर एक ले लेंगे। तो शोल्डर के बाद हम लोगों को क्या करना है, जो शोल्डर डाउन होता है वो हम करेंगे यहाँ से, शोल्डर डाउन जितना है। और उससे पहले हम लोगों को क्या करना, चलिए थोड़ा सा बड़ा करके दिखा दो ये वाला हिस्सा। ओके तो देखिए सबसे पहले हमारा शोल्डर, जितना शोल्डर मैंने मेजरमेंट लिया है उसी तरह करेंगे। उसके बाद हमारा जो नेक विथ है वो हम इस जगह में करेंगे। आप लोग अगर पीछे में थोड़ा सा दिखाना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से वो अच्छा होगा, आप 2 इंच पीछे में ले लीजिए। उसके बाद शोल्डर डाउन कीजिए, उसके बाद चेस्ट लेंथ कीजिए, और साथ ही साथ जो चेस्ट लेंथ के बाद हमारा जो हाई वास्ट होता है वो आप ले लीजिए। उसके बाद जिस तरीका से हमारा नॉर्मल वास्ट है वो ले लीजिए। उसके बाद हमारा जो वेस्ट होता है आप वो ले लीजिए यहाँ से। उसके बाद हमारा जो हीप होता है आप वो ले लीजिए इस जगह से, ऐसे करके, ठीक है फ्रेंड। और उसके बाद यहीं से असली खेल स्टार्ट हो रहा है। तो इस ड्रेस को हम इसी तरह ही सीधा रखेंगे, ओके, ऐसे जितना फुल लेंथ है हमारा उसी तरह ही हम इस जगह में रखेंगे। बस आप लोगों को उतना सा ही कट करना है। और एक चीज़ फ्रेंड आप लोगों को बता दूँ, बहुत लोग हैं जो कामीज में ये तरीका यूज नहीं करते। देखिए आप लोगों को हिप का मेजरमेंट, और हिप का मेजरमेंट से इस पोजीशन को हम लोग इसी तरह एक शेप बना देते हैं ऐसे कर, इस जगह बहुत लोग सीधा कर देते, इसलिए मैंने देखा है जो हिप वाला पोजिशन है और एब्डोमिन जो पोजिशन है वो जगह में खींचे खींचे आते हैं। तो शेप दे दीजिए आप, उसके बाद वॉइस दे दीजिए यहाँ से। और इस जगह का लॉजिक मैंने बहुत बार आप लोगों को बताया आर्म होल में। तो ये नॉर्मल वास्ट, तो इस जगह में जो फॉर्मूला यूज़ करना है 1/4 ऑफ नॉर्मल वास्ट इस जगह में यूज़ करना है, और इस जगह में करना है 1/4 ऑफ नॉर्मल वास्ट प्लस हाफ इंच। फ्रेंड मैं हमेशा पैटर्न जो दिखाता हूँ रेडीमेड के हिसाब से दिखाता हूँ, उसमें कोई एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं रहेगा, ओके फ्रेंड। आप लोग अगर एक्स्ट्रा मार्जिन पकड़ के करेंगे तो इस जगह को आप लोगों को ध्यान में रखना है, क्योंकि मैंने जो हाफ इंच इसमें ले रहा हूँ वो हाफ इंच के अंदर सीम और इस दिया हुआ है इस जगह में, यानी कि इसे हम अगर ओपन करूँ तो चारों तरफ ओपन हो रहा है। 0.30 अगर चले जाए तो 2 धागा रहता है, वो चारों मिला के फिर से 0.25 उसका लूजिंग आ जाता है। इसी कैलकुलेशन से करना है, मगर आप लोग अपने हिसाब से करिएगा, मैंने जस्ट ये बता रहा हूँ। उसके बाद जितना हमारा आर्म होल, मैंने बेसिक के ऊपर फिर नहीं जा रहा हूँ, फिर भी इसमें कुछ बताना है इसलिए मैं बता रहा हूँ। और उसके बाद जितना नेक है मैंने आप लोगों को बताया, जो फ्रंट नेक करने के लिए आप लोगों को जैसा है 1/3 ऑफ नेक डिवाइडेड 2, उसके बाद जो होता है उसे आप वर्टिकली कर दीजिए, जितना आएगा मेजरमेंट वही हमारा फ्रंट में जो नेक होता है वो बनता है, हमेशा वही बनता है, ओके। और उसके बाद आता है फ्रेंड जो इस जगह में हमारा एक क्रॉस पॉइंट का एक मेजरमेंट चाहिए और क्रॉस विड्थ का एक मेजरमेंट हमें चाहिए। तो उसी के हिसाब से मैं एक इसी तरह एक लाइन इस जगह में करूँगा, ठीक है फ्रेंड। इस लाइन देने का मतलब है, देखिए आप लोग कॉपी तो कर रहे हैं ना, तो सीधा एकदम पिक्चर को आप फॉलो कीजिए। देखिए पास में जो पिक्चर दिया हुआ है, तो पिक्चर में जो वॉइस्ड वाला जो हिस्सा है मैं दिखा रहा हूं, तो फ्रेंड पिक्चर में जो वॉइस्ड वाला जो डिजाइन दिख रहा है ना, तो आप सीधा अगर स्केट करके क्रॉस पॉइंट बराबर अगर डायरेक्टली आप लाइन करेंगे तो देखेंगे ये वाला हिस्सा अंदर की ओर आया है और बाकी बचा थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। नीचे में से कितना दिख रहा है आप देखिए, इस जगह में से ज्यादा नहीं दिख रहा है। तो बस यही आप लोगों को करनी है इस जगह में, और ज़्यादा इसमें फ्री हैंड में करना है। तो ये हमारा क्रॉस पॉइंट है इस जगह में। तो हम लोग क्या करेंगे, जितना वॉल्यूम है मैंने आप लोगों को दिखा है एक वीडियो में, आप यहाँ से आपका बास्ट का मेजरमेंट कितना है आप उसी हिसाब से इस जगह में आप ले लीजिए। उसके बाद जितना क्रॉस पॉइंट इस जगह में आया है उसी के हिसाब से आप ऐसे करके इसे ऐसे एक लाइन दे दीजिए ऐसे करके। उसके बाद फिर से वो देख रहा हूँ जो हिप की ओर थोड़ा सा दिख रहा है, उसके बाद फिर से मैं देख रहा हूँ जो नी वाला जो हिस्सा है वो जगह में थोड़ा सा दिख रहा है। तो जैसे कि हम लोग इसके अलग से कपड़ा यूज़ करेंगे तो वो इसी तरह ही फिश कट की तरह दिखेगा,
इस जगह में, ओके। और मगर लॉजिक आपको पैटर्न करने के बाद ये सब तरीका आप लोगों को ठीक ठाक रखना है। ये हमारा जो सीधा है, जैसे क्रॉस पॉइंट है उसी तरह ही सीधा हम रखेंगे। रखने के बाद ये वाला हिस्सा, दूसरी और एक हिस्सा जो यहाँ पर जो बास्ट का वॉल्यूम होता है, ऊपर भी एक बास्ट का वॉल्यूम होता है, तो आप अपने हिसाब से इस जगह में इसी तरह कर सकते हो, अदरवाइज ये वाला हिस्सा को आप लोग छोड़ सकते हो। मैंने दो ही तरीका बताऊंगा, आप लोग इसे अगर चाहते हैं चलो इस जगह में थोड़ा सा अलग से कुछ करूँ तो आप लोग कर सकते हो। तो उसके लिए जैसे इस जगह में एक हम लोग इसे अलग कर लेंगे, अलग करने के बाद इस जगह में टेक्निक है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, और साथ ही साथ ये भी कटिंग करने के बाद ये हिस्सा भी मैं बता रहा हूँ, ताकि इस जगह में कुछ पाइपिंग वगैरह हो आप लोग दे सकते हो, अदरवाइज इसे छोड़ सकते हो, सभी मेथड में बता रहा हूँ। तो ये रहा हमारा ड्राइंग। और साथ ही साथ देखिए मैंने इसे जैसे इस जगह से है, और हमारा जो नी होता है तो फ्रेंड लगभग नी हमारा इस जगह से, और नी से ऊपर से हम लोग चाहते हैं इस जगह से इसका एक मेजरमेंट हो। यहाँ से हम कुछ एक्स्ट्रा जो आप पिक्चर को अच्छी तरीके से देखिए, देखिएगा इस जगह में जो बटन में बहुत सारा घेरा दिया हुआ है इस जगह में, तो वो कैसे बना है आप चलिए मैंने दिखा रहा हूँ। फर्स्ट टाइम इसी तरह ही करना है, उसके बाद इसे कट कर दीजिए, आप इसे शेप दे सकते हो। चलिए एक शेप दे दीजिए, शेप देने से अच्छा होता है। चलिए आप इसी तरह एक शेप दे दीजिए, और इसे करने के साथ साथ फिर एक बेसिक आपके पास एक रखना है, ठीक है। बेसिक नहीं रखेंगे तो बहुत मुश्किल में पड़ जाएंगे। इसका दो पार्ट होगा, एक बैक पार्ट और एक फ्रंट पार्ट। तो मैंने सिर्फ बेसिक के हिसाब से दिखा रहा हूँ, बैक पार्ट तो अलग से आप लोग जानते हैं किस तरीके से करना है। चलिए इसी तरह कर लूँ, बहुत ही सिंपल डिज़ाइन है। और जो लोग सब्सक्राइब हमारा चैनल में नहीं किया है, सोच रहे हैं तो फ्रेंड आप लोग सब्सक्राइब करके रखिए, बहुत डिज़ाइन इसी तरह आने वाला है, आप लोग बहुत आसानी से ये फ्री से आप लोग घर में बैठकर सीख पाएंगे यूट्यूब चैनल से, ठीक है। तो ये रहा हमारा पीछे मैंने कट कर दिया है, और उसके बाद हमें मैंने ये फ्रंट नेक के हिसाब से पकड़ के कर रहा हूँ, ओके। ये वाला हिस्सा है ऐसे करके, और ये दोनों तरफ से आप लोग अगर देखेंगे तो एक इधर है और दूसरी है इधर, ओके। ये ऐसे बनेगा ये, और ये आप लोग देख रहे हैं। और दूसरी बात है फ्रेंड, जो इस जगह में हम लोगों को एक डार्ट देना पड़ता है, इस जगह में छोटा सा अगर एक डार्ट दे देंगे इस जगह में तो अच्छा है। अगर ऐसा ज़रूरी नहीं है आप लोग क्रॉस पॉइंट की ओर दे देंगे, इतना कम करके भी आप छोटा सा करके दे सकते हो, ओके। अब सवाल होता है जैसे ही हम इस जगह में डार्ट देना जाओ तो ये वाला हिस्सा थोड़ा सा ऊंचे की ओर हो जाएगा, है ना। तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना है, ये वाला जो हिस्सा है यहाँ से आप लोग काट भी कर सकते हो, अदरवाइज इस जगह में थोड़ा सा जब हम लोग हाई वर्स को कट करेंगे उस वक्त हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा ऊंचा करके कट कर सकते हैं। अगर ये एक्ट आप लोग रखना चाहते हैं थोड़ा सा ऊंचा करके करेंगे तो ऊंचा करके जैसे इस जगह में काट हो जाएगा तो जैसे डार्ट देंगे फिर से ये हिस्सा नीचे की ओर आ जाएगा। ये एक टेक्निक है, और दूसरी टेक्निक है फ्रेंड आप लोगों को ध्यान में नहीं रखना है, और इस जगह को थोड़ा सा जैसे हम लोग ये डार्ट दे रहे हैं ना तो ये डार्ट वाला हिस्सा जो साइड में है थोड़ा सा बड़ा करके आप जैसे कि जो बॉडीज होता है ना, जैसे कि शोल्डर टू वेस्ट एक बॉडीज लाइन होता है तो वो जगह, और जैसे कि हाई बस्ट का लाइन की जगह में थोड़ा सा आप इसे बड़ा करके आप रखिए, वो एकदम फिटेड हो जाए। अदरवाइज मेरे ख्याल से ज़रूरी नहीं है इतना डार्ट के लिए, इतना झंझट नहीं है, क्योंकि नेचुरली देखा जाए जो इस जगह में हमारे एक्स्ट्रा कपड़ा नेचुरली रहता है वो छोटा सा डार्ट देंगे उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। मगर ध्यान में रहे फ्रेंड, जो हम लोग बैक पार्ट को काट करेंगे तो उसमें हम लोग डार्ट वाला हिस्सा काट नहीं करेंगे, क्योंकि फ्रंट में जैसे ही हम लोग डार्ट दे रहे हैं डार्ट देने के बाद वो हिस्सा बड़ा हो रहा है, जैसे डार्ट दे रहे हैं छोटा हो रहा है, मगर बैक के साथ तब आर्म होल और ये वाला हिस्सा नहीं मेल होगा, ये ध्यान में रहे। आपको बैक को कुछ चेंज नहीं करना है, जो कुछ चेंज करना है फ्रंट में चेंज करना है, ओके। और ये डार्ट आप लोग दे सकते हो। उसके बाद देखिए जो मैंने ऊपर वाला हिस्सा कट करना दिखा रहा हो वो भी देख लीजिए, इसी तरह कट कर दीजिए,
और इस जगह में भी एक डॉट दे दीजिए ऐसे करके। ये देखिए मैंने एक डॉट दे दिया है और ये वाला हिस्सा इस जगह में दे दिया है। ओके, ये कट हो गया है। तो आप लोग इसी पार्ट को ही अगर थोड़ा सा चेंज करना चाहते हैं आप लोग, तो चलिए काम कर दीजिए। ये जो दो डॉट लिया है ना, तो आप दो डॉट एक ही तरफ आप ले लीजिए, थोड़ा सा करके एक ही तरफ ले लीजिए। तो लेकर फिर से एक पैटर्न बना लीजिए और जैसे ये डॉट को ऐसे चलाएगा, क्यों देखिए क्या हो रहा है फ्रेंड, थोड़ा सा बता दो। देखिए मैंने कट तो इतना किया है ना, तो ये वाला जो हिस्सा यहाँ से यहाँ तक जितना गैपिंग है, तो वही कपड़ा हमें इस जगह में चाहिए आफ्टर स्टिचिंग। तो इसलिए क्या हो रहा है, ये वाला हिस्सा हम थोड़ा सा बड़ा देंगे, यानी कि जितना डार्ट मैंने लिया है वो बड़ा देंगे, तो वो बाद में जैसे डार्ट हो जाएगा वो ऑटोमेटिकली वो जगह में चले आएगा और ये वाला हिस्सा ऊंचा की ओर उठ जाएगा। इसी तरह ही डार्ट का बहुत सारा लॉजिक होता है, तो एक ही वीडियो में अगर ज़्यादा एक्सप्लेन करूँ तो बहुत दिक्कत हो जाएगी आप लोगों को। तो चलिए एक एक करके बता रहा हूँ। उसके बाद ये पैटर्न बना, और पैटर्न बनाने के बाद जैसे डॉट को आप लोग कैलकुलेशन करेंगे, उस जगह के साथ साथ इस जगह में भी फ्रेंड एक्स्ट्रा हाफ इंच लेनी है। इस जगह में भी एक्स्ट्रा हाफ इंच लेनी है। मानिए जैसे कि दोबारा हम पैटर्न को तैयार करें, तो हमारा जिस पोजिशन है तो वो पोजिशन को इसी तरह हम लोग एक्स्ट्रा ले लेंगे इस जगह में, ऐसे करके एक्स्ट्रा, यानी कि ये वाला जो हम एक्स्ट्रा ले रहे हैं हमारा ओरिजिनल मेजरमेंट ये वाला हिस्सा, ठीक है। तो एक्स्ट्रा लेना है, क्यों लेना है एक्स्ट्रा, तो देखिए इस पार्ट के साथ हमें जोड़ना है इसे, और इस पार्ट को भी अलग से ड्रॉ करके आप लोगों को इसी तरह एक्स्ट्रा इस साइड में लेनी है। तो जैसे हम सिलाई करेंगे तो ये जैसे हम जोड़ देंगे, तो जोड़ देने के बाद फ्रेंड इस जगह को फिर से नेचुरली ये डार्ट होने के बाद जो पोजीशन हो जाएगा वो एकदम फिटेड हो जाएगा और ये वॉल्यूम थोड़ा सा ऊंचा आ जाएगा, फिनिशिंग अच्छा होगा। और इस जगह में आप लोग यहाँ से डार्ट यहाँ सीम्स और इस पार्ट में यहाँ सीम्स आप लोग दे सकते हो, एक अलग से कोई पाइपिंग वगैरह हो दे सकते हो आप लोग, नहीं तो जैसा है वैसा ही रख दीजिए। आप चाहे तो इस जगह में भी क्रॉस पॉइंट के बराबर थोड़ा सा एक आप लोग एक डार्ट दे सकते हो अगर कटिंग किया तो, अदरवाइज जरूरी नहीं है, ये एकॉर्ड रख दीजिए, टेक्निक भी आप लोग कर सकते हो गया फ्रेंड। और दूसरी बात, जो हमारा नीचे जो फ्लेयर वाला हिस्सा, उसे आप लोग करेंगे किस तरीके से, उसे आप लोग नीचे वाला जो हिस्सा है इसी तरह आप लोग कट कर दीजिए ऐसे करके, 1 2 जितना हो आप अपने हिसाब से करिए, क्योंकि हम मैंने छोटा कागज में किया है, स्पेस बहुत ही कम है। उसके बाद ऐसे 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 करके इसे फ्लेयर कर दीजिए ऐसे करके। तो ये जब अलग से हम कट करेंगे तो ये पार्ट को हाफ पीस इधर और ऐसे करके ये बड़ा करके ऐसे करना है, ठीक है। तो इसी तरह ही करना है। तो इस वीडियो में फ्रेंड मेरे ख्याल से और कुछ नहीं बोलना है, जितना डिटेलिंग मैंने दे दिया था स्टिचिंग टेक्निक में भी आप लोगों को बता दिया है, तो आप लोग इसी तरह करिए वो हो जाएगा, बस और कुछ नहीं करना है। इस पार्ट में भी बड़ा करना है इसी तरह, इस पार्ट में भी बड़ा करना है, ओके। तो फ्रेंड आपके पास भी इसी तरह कुछ रिक्वेस्ट वगैरह हो तो हमारा व्हाट्सएप में भेज दीजिए, और इस जो चैनल है इसे जितना हो सके आप लोग इस वीडियो को शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और चलिए फ्रेंड मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह कुछ लेकर, और आज के लिए इतना सही था। बाय बाय, टेक केयर, शुभ रात्रि, गुड नाइट।